जब तक सांसें चले, मर भी गया तो भी करूंगा मैं प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋषि आर्ट एंटरटेन में। दोस्तों, जब तक सांसें चलेगी ये सॉन्ग शायद आपने जरूर सुना होगा, जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और काफ़ी हिट भी हुआ। ये सॉन्ग गाया है सवाई भट्ट ने। तो आज हम आपको इनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन आइडल 12 के विनर हुए हैं पवनदीप राजन, लेकिन एक सिंगर ने सबको हैरान किया है, तो वो है राजस्थान के सवाई भट्ट। सवाई भट्ट राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गाँव गच्चीपुरा के रहने वाले हैं। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। सवाई भट्ट बचपन में अपने पिता के साथ कठपुतली शो दिखाने का काम करते थे और कठपुतली का खेल दिखाकर ही पैसे कमाते थे। सवाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके इंडियन आइडल में आने का पूरा श्रेय उनके मामा जी को जाता है। उनके मामा जी के कारण ही वे इंडियन आइडल तक पहुँचे। सवाई ने बताया कि इस बार इंडियन आइडल के ऑडिशन ऑनलाइन थे, इसलिए उनके मामा जी ने ही उनका वीडियो शूट किया और इंडियन आइडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उनके मामा के पास फोन आया कि सवाई को ऑडिशन के लिए मुंबई आना है। इसके बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि सवाई शो के टॉप 8 में रहे और फिर फिनाले से एन पहले बाहर हो गए, लेकिन अपनी आवाज़ से काफ़ी चर्चा में रहे। सवाई के इंस्टाग्राम पर 1,43,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको सवाई भट्ट की परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो दोस्तों, सवाई भट्ट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगन लगी तुमसे मन की लगन।